नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी का अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपका जो आपका बीएससी नर्सिंग है उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, आपके MPPNST 2022 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और अन्य रिजल्ट भी जो इसमें रुके हुए हैं तो वो कब तक उनकी आने की संभावना है। तो कल आपकी 17 जनवरी 2024 थी और कल आपका सुनवाई थी, ख़ास तौर से जो मुख्य मामला था आपका जो फर्जी नर्सिंग मामला केस है उसकी सुनवाई थी, और CBI को कॉलेजों की जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करना था। तो आज उसकी न्यूज़ भी पेपर में है। कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे कुछ कन्फर्म जानकारियां नहीं मिल रही थी, तो आज मैं वीडियो बच्चों की मांग पर बना रहा हूं। तो जी हां, कल 17 जनवरी 2024 को जैसा कि अनुमानित था कि न्यायालय ने, माननीय हाईकोर्ट ने CBI को जो नर्सिंग कॉलेज कुछ बचे रह गए थे, आपके करीब 50 नर्सिंग कॉलेज बचे रह गए थे जिनकी जांच पूरी नहीं हो पाई थी, इसके लिए CBI ने माननीय न्यायालय से समय मांगा था। तो उसी को लेकर के एक डेट दी गई थी आपकी 17 जनवरी 2024। तो बंद लिफाफे में CBI ने जांच पेश कर दी है, और इस तरह से आपका जो क्या कह सकते हैं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट जो है वो CBI हाई कोर्ट में पेश कर चुका है। और जहां तक हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 50 नर्सिंग कॉलेजों की जांच पर जो है वो स्टे दे रखा है, तो उसकी जांच बाद में होगी, और इस प्रकार से कार्रवाई अपने अंतिम दौर में है। और दो न्यायाधीशों की पीठ थी, इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश आपके मलिमठ और दूसरे थे आपके जस्टिस विशाल मिश्रा, इनकी युगल पीठ ने जो है वो रिपोर्ट स्वीकार की न्यायालय में, और अग्रिम कार्यवाही के लिए उन्होंने एक डेट दी है। डेट बहुत दूर की नहीं है, डेट आपकी है 23 जनवरी 2024। तो 23 जनवरी 2024 को पूरी उम्मीद है कि मामला जो पेंडिंग है न्यायालय इसकी जांच करके और इसमें आदेश दे देगा। और जो नर्सिंग मामले में जो मामला चल रहा है, इसकी जांचें चल रही हैं, इसी कारण से हमारा जो MPPNST का रिजल्ट भी जो 2022 का वो भी रुका हुआ है, और सेमेस्टर एग्ज़ाम BSc नर्सिंग के ये भी रुके हुए हैं, अन्य कई छोटे छोटे एग्ज़ाम भी इसी कारण से जो है वो विलम्ब हो रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि आपका 23 जनवरी को न्यायालय कोई अंतिम फैसला ले लेगा, जैसा कि न्यायालय ने कहा भी है, और जो भी आपके रिजल्ट आने हैं रिजल्ट आ जाएंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम होने हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो आप कोई चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो रिजल्ट आएगा, और बस अब बहुत दिन शेष नहीं रह गए हैं, कुछ ही दिन में आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो 23 जनवरी को जो भी कार्रवाई होगी उसका मैं इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। तो जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जैसे भी हम कोई नोटिफिकेशन डालें वो आपको जो है वो तुरंत मिल जाए। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में कोई नया अपडेट मिलता है, बीच में कोई अपडेट मिलता है उसको देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।